अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम चिकन टिक्का क्रिस्प बना रहे हैं, थोड़ी सी इसमें वेरिएशन करेंगे। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। देखिए, एक पैन में मैंने ऑयल लिया है 2 से 3 चम्मच, 7 से 8 जवे लहसुन के बारीक काटे हैं इसमें मैंने। इसको हम हल्का सा सौते कर लेंगे। और ये 150 ग्राम मेरे पास कीमा है, इसको मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। चिकन का कीमा है, थोड़ा सा मोटा मोटा कुटा हुआ है। अब इसके अंदर मैं कुटी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च मैंने इसके अंदर ऐड की 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर इसमें ऐड किया है मैंने 1/2 टीस्पून, नमक ऐड किया है इसके अंदर मैंने, कश्मीरी लाल मिर्च से कलर बहुत अच्छा आ जाता है इसलिए ऐड किया है इसके अंदर। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैं इसके अंदर विनेगर ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, सोया सॉस ऐड कर रही हूँ इसके अंदर 1 टेबल स्पून इसके अंदर, और चिली सॉस ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर 1 टीस्पून, क्योंकि हम मिर्चें ऑलरेडी डाल चुके हैं तो इसलिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा चिली सॉस नहीं डालेंगे वरना बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएंगे। बहुत ही मज़े के बनते हैं, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें, 10 मिनट मैंने पकाया है। उसके बाद जो है इसके अंदर मैंने थोड़ी सी प्याज अंडे वाली काट के डाली है। अब इसके अंदर थोड़ी सी मैं ओरिगानो ऐड कर रही हूँ। अब ये मैंने 1 कप मैदा लिया है और उसके अंदर 1 कप ही मैं दूध डाल रही हूँ। 3 to 4 टीस्पून इसके अंदर मैंने दही ऐड किया है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे हम। 1 अंडा डाला है इसके अंदर मैंने और नमक ऐड किया है इसके अंदर। क्रीप्स बनाएंगे बहुत पतले वाले, थिन लेयर में बनाएंगे। आप चाहें तो इसको ब्लेंडर में कर लें, चाहे मैंने इसी तरह फोर्क से कर लिया है। और इसके अंदर 2 टेबल स्पून में ऑयल मिक्स किया है मैंने। बहुत ही रनी सा टेक्सचर होगा इस तरह से। अब ये देखें, थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस किया है मैंने इसको, और इसके अंदर हम इसको फैला देंगे और बिल्कुल बारीक बारीक से हम इसके पतले क्रीप्स बनाएंगे, बहुत फाइन से बनाएंगे। इस तरह से देखिए हट रहा है। अब इसको मैंने इसको उल्टा कर दिया है, इसको पलट दिया है। बहुत ज्यादा नहीं सेकेंगे क्योंकि हम थोड़े से पकाएंगे इसको। अब ये देखिए, मैं चीज थोड़ी सी बाहर रख दी थी तो नरम ज्यादा हो गई। मैंने मोजरेला चीज ली है, इसको हमने ग्रेट कर लिया है। अब इसके अंदर ये चिकन हम इसके अंदर रख रहे हैं और इसके ऊपर हम चीज लगा देंगे। चीज आप अच्छे से लगाएं और इसके बाद थोड़ा सा इसमें पानी लगाएं इस तरह से, और इस तरह से इसको फोल्ड कर लें इस तरह से। अच्छे से इसको हम, बहुत मजे के बनते हैं और बच्चों को तो इतने पसंद आते हैं कि बस झटपट खा ही लेते हैं वो फौरन। और गरम गरम खाएं, बहुत मज़े के बनते हैं। इस तरह आप बना के रख लें, जब भी आपके यहाँ कोई दावत हो, किसी को आपको टी पार्टी में बुलाना हो, तो इस तरह से पूरे बना के रख लें। और बस उस वक्त जब आपको सर्विंग का टाइम हो, उस वक्त आप इसको इस तरह से अच्छे से फ्राइंग पैन में या किसी उस पर ऑयल में अच्छे से सेक के और इसको सर्व करें, बहुत मज़े का बनता है। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।